प्रथम तहलका न्यूज। सड़क पर जगह जगह जमा कीचड़ और बदहाली की ये तस्वीरें रतिया की है। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से गुजर पाना कितना मुश्किल है। बरसात के बाद से इस सड़क का हाल बद से बदतर हो गया, जिसके बाद से रतिया के दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मेन बाजार में मौजूद अग्रवाल धर्मशाला चौक से लेकर पूजा एम्पोरियम तक की सड़क का निर्माण दुकानदार से नाराज है और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुकानदारों ने खुद से पैसा इकट्ठा कर बाजार में पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी दुकानदारों का कहना था कि नगर पालिका प्रशासन खनन में पत्थर न होने का बहाना बनाकर लगातार बीते काफी लंबे समय से सड़क के निर्माण को अधर में छोड़ रखा है। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि टेंडर कर दिया और उसके बाद इनके चहेतों को टेंडर दे दिया, सरकार के चहेतों को, जिसमें नगर पालिका मिली हुई थी। उसके बावजूद जो पत्थर यहाँ लगा हुआ था, साफ सुथरा पत्थर, वो बेच के खा गए हैं और जो लोगों की जो इट्टे थी, बजरी थी, सब वो बेच के इन्होंने खा लिया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और समेत विधायक सब इसके अंदर मिली भगत है। अब दुकानदार भाइयों ने आज एक समाज तोड़ने के नाते फैसला लिया, जिस भाई की जितनी औकात थी, 2-2 हज़ार रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये इकट्ठे कर ये लोगों की आवाजाही के लिए आज पत्थर गिरवाया। तो प्रशासन से हम यही आग्रह करते हैं कि समाज हित के कार्यों में आगे आकर, सरकार के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कल पंजाब में देखा किस तरह प्रधानमंत्री की दुर्गति हुई है। हमारा देश का प्रधानमंत्री जो माननीय पद होता है, उसके भी आज इस तरह की बातें लोगों के सामने आने पेश हो रही हैं। मेन बाजार है, लोगों की काफी आवाजाही रहती है, फिर भी प्रशासन ने इस तरह देखने के, प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रशासन तो सोया हुआ है, आप किसी ऑफिस में देख लो जाके, प्रशासन का कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। दुकानदारों ने यह भी कहा कि इसके बीच में मात्र 300 फुट के टुकड़े को ही बीच में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि संबंधित सड़क के निर्माण को लेकर वे बीते काफी लंबे समय से नगर पालिका अधिकारियों के अलावा उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाते आ रहे थे और पिछले माह रतिया के विधायक के हस्तक्षेप से नगर पालिका ने विशेष टेंडर पारित करते हुए इस 300 फुट के टुकड़े के निर्माण को शुरू करने के लिए टेंडर छोड़ दिया था। इतने बाजार के एक गली का बहुत बुरा हाल सीगा, समाज के लोगों को नंगन टप्पण वाले बहुत बुरा हाल हो रहा सीगा, और नगर पालिका सैकटरी को बहुत बार कर लिया, MLA को कर लिया, जिला अध्यक्ष को कर लिया, खट्टर साहब को भी मैसेज भेज लिया, कहिंदे जी पत्थर महंगा हो गया, पत्थर नहीं मिलता, तो आ मार्केट वाले ने खुद पत्थर आपकी जेब चो लिया के पा लग रहे हैं। इतने बाजार के आपके पैसे इकट्ठे करके सारा समाज और पत्थर पान लग रहे ने, और नगर पालिका वाले और MLA ते सैकटरी सारे कह रहे हैं भी पत्थर महंगा होगा जी, पत्थर मिलता नहीं। आ पत्थर एक घंटे च आ गया इतने मार्केट के, और इतने 2-2 हज़ार, 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 2-2 हज़ार,
और नगरपालिका सैकटरी साहब कह रहे हैं, MLA साहब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं जी पत्थर महंगा होगा जी, टेंडर लावांगे जी, टेंडर पास होगा जी फिर करांगे जी। ये सारा खाण पीन का है भी, इतों इन्हों इन्नी गली चो खाने पैसे नहीं मिलने, तो इस करके कहते जी रोड़ी खा गए पहला। दुकानदारों ने बताया कि कीचड़ के चलते उनकी दुकानों के काम भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं, क्योंकि कोई भी ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं आ रहा, जिसके चलते दुकानदार पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। सड़क की इस दुर्दशा को देखकर आज संबंधित क्षेत्र के दुकानदारों ने उपरोक्त समस्या को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की और बाद में प्रत्येक दुकान से पैसे इकट्ठा कर संबंधित सड़क पर पत्थर आदि डालने का फैसला लिया गया। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।